अब हम चल रहे हैं इनको ढील कर, और मंत्री जी का आदेश है कि इनको ढील कर वहां आ जाए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने महाराज का खून नहीं किया, फिर भी मुझे झूठे इल्जाम में विकराल सिंह ने कैद करवा दिया है। और ये भी ऐलान करवा दिया है कि कल फजर होते ही हमें जिंदा पहाड़ियों में दफन कर दिया जाएगा। कुंवर विक्रम भी इस बात से अनजान है। अब तो हमारा यहां कोई सहारा देने वाला नहीं है, अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है। मेरे मालिक, और दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मेरे मालिक, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे मैं आया, आशा की मैंने ज्योत जलाया। मजबूरी तेरे दर पे मैं आया, आशा की मैंने ज्योत जलाया। मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, गुण गाऊं सुबह शाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, तूने बनाया चांद सितारे। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, तूने बनाया चांद सितारे। मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा। मेरे बाप के कातिल गद्दार सेनापति, देख विक्रम तेरे सामने खड़ा है, बोल क्यों मुझसे मिलना चाहता था। कुंवर विक्रम, तुम आ गए। हाँ मैं आ गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ये बताने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ, मैं महाराज का कातिल नहीं हूँ।
फिर भी मुझे मौत की सजा मिल रही है। मेरे बाप, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तूने ही मेरे बापू का खून किया है, हरामखोर। तेरी सूरत से मुझे घृणा हो रही है, पर मुझे हो गई तेरी सूरत से नफरत। नफरत हर दिखाता है क्यों मुझको अपनी शराफत। अगर खून तुमने सेनापति, वफादार बनकर किया बेवफाई, बहुत वफादार बनता था, कहता था कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। और आज वफादार बनकर किया बेवफाई, हर सजा पाएगा अपने करने की आफत। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामखोर। बता बेटा विक्रम, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा और विश्वास नहीं है? भरोसा? और तू जैसे मकार पर मैं भरोसा? मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और नहीं नहीं मानता है तो ये याद रखना, नहीं मानता है तू, नहीं मानता है तो ये याद रखना। और ये लो ताबीज तुम इसे पास रखना, ये ताबीज लो। मुझे ताबीज दे रहा। इसमें छुपा है तेरे गढ़ का नक्शा, इसमें छुपा है तेरे गढ़ का नक्शा, इसे पास रखना, इसे पास रखना, इसे। मकार? अरे नहीं खून तुमने अगर जो किया है तो फिर गढ़ का नक्शा ये किसने दिया है? नहीं खून तुमने अगर जो किया है तो फिर गढ़ का नक्शा ये किसने दिया? नहीं नहीं खून राजन का मैंने किया है, नहीं खून राजन का, नहीं खून राजन का मैंने किया है, तुम्हारे पिता ने ये नक्शा दिया है, तुम्हारे पिता ने
बेटा विक्रम, यदि मैं महाराज का कातिल होता तो ये नक्शा लेकर मैं भाग जाता, ये नक्शा तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मरते समय महाराज ने यह नक्शा मुझे दिया था और कहा था इसे संभाल के रखना और इस पारसगढ़ के नक्शे को मेरे बेटे विक्रम तक किसी तरह पहुंचा देना। तुम्हें बुलाने का मेरा यही मकसद था कुंवर। अब तो मुझे फांसी होने वाली है, अब तो मैं नहीं बचूंगा विक्रम। लेकिन चाचा जी, आप सही कह रहे हैं, अगर आपने मेरे पिताजी का खून किया होता तो आप ये नक्शा मुझे कभी नहीं देते और ये नक्शा लेकर आप भाग जाते। लेकिन चाचा जी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन चाचा जी, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मंत्री जी ने तुम्हारी मौत का ऐलान करा दिया है। हाँ बेटे, इसी बात का तो मुझे भी दुख है कि मैं बेगुनाह और निर्दोष हो तो ये भी मुझे मरना पड़ेगा। जाओ विक्रम, मेरा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो, और याद रखना बेटा कि भविष्य में ये ताबीज कभी किसी को देना मत, वरना ये नक्शा किसी के हाथ लग गया तो पूरे राज का पूरे खजाने का मालिक बन जाएगा और पारसगढ़ में तबाही मचा देगा। इसलिए हमेशा इस नक्शे को अपने पास रखना। जाओ कुंवर, जाओ। ठीक है चाचा जी, अपना ख्याल रखना चाचा जी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और मेरा ख्याल करने वाला, आप पर जो शक किया हमने उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ चाचा जी। विक्रम, मेरा ख्याल करने वाला सिर्फ वो भगवान है और कोई नहीं है। विक्रम जाओ बेटा, मैं तो चंद मिनटों का मेहमान हूँ। जा रहे हो? जाओ बेटा। चाचा जी, चाचा। बेटा जाओ कुंवर, आज से हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। जाओ कुंवर जाओ, आज से हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, अब कभी भी हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे कुंवर। चाचा, चाचा, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ऐसा मत बोलो चाचा जी, ऐसा मत बोलो। और जाने वाले, जाने वाले, दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जाने वाले, जाने वाले, दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। कहां संग्राम सिंह, एक बात बताओ, युवराज विक्रम से तो तुमने मुलाकात कर ही लिया, अब बताओ कि तुम इस कैद खाने में अपनी तकदीर से कैद हो या किसी की तदबीर से? विक्राल सिंह, मैं यहां अपनी तकदीर से कैद हूं। गलत, तुम यहां अपनी तकदीर से नहीं किसी की तदबीर से कैद हो।
क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने महाराज का कत्ल नहीं किया, और मैं भी जानता हूं कि तुम महाराज के कातिल नहीं हो। फिर भी महाराज के कत्ल के इल्जाम में तुम इस कारागार में कैद हो, और जो महाराज का कातिल है वो आजाद। क्या महाराज का कातिल तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे भी जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। तो फिर महाराज का कातिल कौन है विक्रम सिंह? विकराल सिंह, महाराज का कातिल कौन है? एक बार उस हरामजादे का नाम तो बता दो, मैं उस हरामजादे को दुनिया से मिटा दूंगा। बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें कातिल का नाम बताता हूं, बदले में मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम है? उस कातिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा कौन सा काम है? बोलो विकराल सिंह, मैं उस कातिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूं। तो फिर सुनो, कातिल कौन है और इस विकराल का काम क्या है? सुनो, नक्शा जो पारस गढ़ का हासिल मुझे करा दे। नक्शा पारस नक्शा जो पारस गढ़ का और हासिल मुझे ही करा दे, और जिंदा जिंदा तुझे जहां से ये मंत्री भगा दे। जिंदा और राजा, गौर से सुनो, राजा का कातिल कौन है? तो राजा को हमने मारा। राजा को हमने मारा, और जिसका पता न लगे, और विक्रम को मार दे तू, तकदीर तेरी जागे। विक्रांत खामोश हो जा जालिम, और कहना ना कुछ भी आगे। खामोश खामोश हो जा जालिम, कहना ना कुछ भी आगे। और कातिल कातिल है साहा का तू, और हंसता मुझे हंसा के। कातिल है ये हथकड़ी खुला दे, औकात मैं बता दू, गर हथकड़ी खुला दे, और संग्राम संग्राम तेरी मौत का फिर फैसला सुना दे। संग्राम संग्राम तेरी मौत का फैसला तो मैंने कर दिया है, तू मेरी मौत का फैसला क्या करेगा? हाँ, एक रास्ता है तेरे बचने का, एक रास्ता है। चल, राजा को मैंने मार दिया है, विक्रम को तू मार दे, लेकिन जब तू ये भी नहीं करना चाहता तो
तो ये काम कर दे, सिर्फ इतना बता दे कि पारसगढ़ राज का वो नक्शा कहाँ है। विक्रांत सिंह, पारसगढ़ का नक्शा वहां पहुंच गया है जिस पर उसका अधिकार है। बात बड़ी गलती कर गया तू संग्राम, ये बताकर कि नक्शा वहां पहुंच गया है जिसका उस नक्शे पर हक और अधिकार था। हाँ, तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। नक्शा वहां पहुंच गया है। अगर मुझे ये मालूम नहीं होता कि नक्शा वहां पहुंच गया है, तब तो तू मुझे अपने मौत का कारण मानता, लेकिन ये बताकर तूने बड़ी मूर्खता की है, क्योंकि अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। जब तक नक्शा तेरे पास था, तेरी जिंदगी की गारंटी थी। मैं तुझे लाख सताता, यातनाएं देता, तड़पाता, लेकिन तेरी जान नहीं लेता। लेकिन जब नक्शा तेरे पास नहीं है, तो तेरे जीने से क्या फायदा, मरने से क्या फायदा। इसलिए तेरा मरना निश्चित है। लाल माल पानी सरकार, इसे ले चलो, जिंदा पहाड़ों में दफन कर दो। ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। और रहा युवराज विक्रम, विक्रम मेरी बुट्ठी में है, जब चाहे विक्रम से वो नक्शा हासिल करूंगा। ले चलो, चला। साथियों, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। साथियों जी, सरदार जी, आज मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो हमारी बात ध्यान से, आखिर मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। सुनो सुनो ध्यान दे कर जरा, आज हमारी बात सुनो, ध्यान दे कर जरा, आज हमारी बात। और आने आने वाले आज हैं इस बिहड़ के सर। सावधान हो जाओ, क्योंकि अपने गिरोह के सरदार तत्काल अपने अड्डे पर आने वाले हैं। आओ साथियों, अपने अपने हथियार लेकर अपने सरदार जी का आने का इंतजार करते हैं। साथियों, जय मां भवानी। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को होशियार रहना चाहिए, सोते हुए भी शेर को गाफिल न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमको तैयार रहना चाहिए। मेरे बिहार के शेरों, आज हमने अपने सभी साथियों को इस बिहार में इसलिए इकट्ठा करवाया है कि आज हम कुछ जानना चाहते हैं। जग्गा, तुम तो जानते हो कि ये दस्यु सरगना डाकू जयकाल सिंह का आहिरी अड्डा है। क्यों नहीं सरदार जी, और मैं डाकू जयकाल सिंह इस आहिरी अड्डे का सरदार, और जो मैं कहूंगा वही होगा। क्यों नहीं सरदार जी, आज आपके हुक्म का पालन होगा सरदार जी। जग्गा कहिए, भीमा जी, सरदार जी, शेरा और बिजली, मेरी बात को गौर से सुनो। क्यों नहीं सरदार, आज हम क्या जानना चाहते हैं गौर से सुनो। की
योजना है और कहा की बलि आज की योजना। योजना है कहा की बनी डाका पलने का किसके यहाँ ख्याल है, कौन ऐसा असामी और इसी इलाके में है लाखों रुपए का जिसके यहाँ माल है, कौन ऐसा कौन ऐसा आसामी है इस इलाके में जिसे लूटकर हम माला माल हो जाए, जिसके यहाँ लाखों रुपए का धनाल जर जेवरात मिले, कौन सा ऐसा आसामी है बताओ बताओ मुझे। किसके हाथ डकैती पड़ेगी आज सरदार जी? बोलो। हमारे तो यह नहीं समझ में आता कि आज डाका कहाँ डाला जाएगा, आप ही कुछ सोचे, मुझे नहीं मालूम। तो हमारे विचार से चलोगे तो मेरा विचार है आज हम अपने गिरोह के साथ सीधा चलेंगे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जहां पर एक गांव ग्राम सभा है पारी, उनके यहाँ काफी रुपया है क्योंकि सुना है कि उनके पूर्वज लोग काफी धनमाल रख कर गए हैं, तो आज आओ चलते हैं उनकी तिजोरी खाली करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है सरदार जी, चलिए हम सारे साथी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो आओ इसी वक्त हम चलते हैं आज की रात ग्राम सभा पारी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में डकैती डालेंगे। जय माँ भवानी।